क्लास 8, आई एम योर बायोलॉजी सब्जेक्ट टीचर सदफ जमान, और आज जो है हम अपने चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का 13th लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके लिए हम जो है पेज नंबर 56 एंड 57 जो है वो रीड करेंगे। एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ इज वेन्यू सिस्टम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट व्हाट इज वेन्यू सिस्टम एंड पोर्टल सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम जो है वो वेन्यू सिस्टम को जो है वो देख लेते हैं कि क्या होता है ना। तो वेन्यू सिस्टम जो है वो असल में एक सिस्टम है जो कि किससे मिलकर बना है, वेन्स से। सही, वेन्स से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, वेन्यू सिस्टम। अब ये वेन्स क्या होती हैं, वेन्स जो है एक तरह से आर्टरी का ऑपोजिट भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि आर्टरी में मैंने आपको बताया था वो क्या करती हैं, ब्लड को अवे लेके जा रही होती हैं फ्रॉम हार्ट। सही, जबकि वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स होती हैं वो एक ब्लड वेसल्स का एक सेट होता है जो क्या करती हैं, ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लेकर आ रही होती हैं। अब पल्मोनरी वेन जो है वो क्या है, ऐसी वेन जो क्या करती है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। सही, और कलेक्ट करके उसे हार्ट का जो लेफ़्ट एट्रियम जिसे हम कहते हैं या लेफ़्ट ऑरिकल वहाँ तक पहुँचा देती है। सही, तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कलेक्ट करती है और फिर जो है उसे हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम यानी लेफ़्ट ऑरिकल तक वापस लेकर आती है। अगर आपको याद हो तो हमने आर्टरी में पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स तक, सही, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुँचा रही होती थी। लेकिन पल्मोनरी वेन इसका ऑपोजिट काम करती है, क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से लेती है, क्योंकि वो क्या करती है, वहाँ पर ऑक्सीजन को पिक कर चुकी होती है ना। तो वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करके लंग से, सही, और फिर उसे क्या करती है, हार्ट में लेफ़्ट एट्रियम में पहुँचाती है। अगर आप इस वीडियो में देख सकें तो ये आपको नज़र आ रही है पल्मोनरी वेन। सही, तो ये पल्मोनरी वेन क्या करती है कि लंग से, सही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करके और हार्ट के जो लेफ़्ट एट्रियम होता है वहाँ पर पहुँचा देती है। सही, इसके बाद आती है प्री केवल वेन क्या करती है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना हेड और फोर लिम्ब से, सही, इन दोनों पार्ट से यानी जो बॉडी के पार्ट्स हैं हेड और फोर लिम्ब्स, इनसे क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। सही, और ये प्री केवल वेन जो ना बहुत सारी वेन्स का एक गुच्छा होता है। सही, तो बहुत सारी वेन्स जो हैं वो मिलकर फोर लिम्ब्स और हेड वगैरह जो हेड में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके, सही, और फिर पहुँचा देती हैं दोनों तरफ ना। और ये जो वेन है कि बहुत सारी वेन्स जब आपस में कंबाइन होती हैं ना तो एक मेजर वेन बना देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्री केवल वेन। सही, ये प्री केवल वेन जो है असल में बहुत सारी वेन्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद आती है पोस्ट केवल वेन। पोस्ट केवल क्या करती है कि ना बॉडी फ्रॉग में जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है ना उससे क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वैसे ही कलेक्ट करती है जैसे उसमें जो हमने आर्टरी में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाया जाता है ना ऑर्गन्स तक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो बॉडी के लोअर पार्ट से कलेक्ट करके और फिर जो है उनको कलेक्ट करके पहुँचाया जाता है, हाँ, राइट ऑरिकल जो होता है ना उस हार्ट का राइट एट्रियम वहाँ पर पहुँचाया जाता है। अब कैसे कि इसमें जो लोअर पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, जेनिटल ऑर्गन्स, मसल्स, हाइंड लिम्स वगैरह ना, इनके इनसे जो है वो बहुत सारी वेन्स मिलकर जो है वो कलेक्ट करती हैं। फिर जब ये वेन्स जब आपस में कंबाइन होती हैं तो एक मेजर वेन बना देती हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पोस्ट केवल। सही, इन पोस्ट केवल इस पोस्ट केवल में बहुत सारी वेन्स कंबाइन होती हैं जो ये काम असल में परफॉर्म कर रही होती हैं। अब ये जो दोनों प्री केवल और जो पोस्ट केवल वेन है ये जाके क्या कहाँ खुलती हैं, साइनस विनोसिस में। साइनस विनोसिस कहाँ पाया जाता है, जो हार्ट
द राइट एट्रियम है ना, राइट ऑरिकल, वहाँ पर जाकर ये खुलता है ना, तो इस तरह से ये साइनस विनोसस क्या करता है, ब्लड वहाँ पर पंप कर रहा होता है। सही, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वहाँ पर पंप किया जाता है। अब हम असल में देखते हैं कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम जो है वो क्या है, वेंस का एक सेट होता है। ये सेट जो है वेंस का, ये क्या करता है कि ब्लड को बॉडी के एक ऑर्गन से लेकर दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा रहा होता है। सही, यानी कि एक ऑर्गन से लिया और डिस्चार्ज कर दिया दूसरे ऑर्गन में, तो ये जिन वेंस के थ्रू हो रहा होता है उन वेंस को क्या कहते हैं, पोर्टल वेंस कहते हैं। और सिस्टम क्या कहलाएगा आपके पास, पोर्टल सिस्टम कहलाएगा। अब बात करते हैं पोर्टल सिस्टम की काइंड्स की। दो काइंड्स होती हैं पोर्टल सिस्टम की, इनमें पहली क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, नंबर टू क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जो हेपेटिक का वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, लिवर। सही, अब यानी कि ऐसी वेंस का सेट जो क्या करती हैं, ब्लड को अपने उनका जो ब्लड होता है वो जाके लिवर में ड्रेन कर देती हैं। सही, तो इस ये तमाम की तमाम वेंस जो होती हैं असल में किस में शामिल है, हेपेटिक पोर्टल वेंस में। सही, तो हेपेटिक पोर्टल वेंस की जो वेंस होती हैं वो क्या करती हैं, क्योंकि ये सेट होता है ना पूरा हेपेटिक पोर्टल वेंस का, तो ये क्या करती हैं, जो इनका ब्लड होता है वो जाके लिवर में ड्रेन करती हैं। जबकि रीनल पोर्टल सिस्टम का जो रीनल पोर्टल वेंस होती हैं पूरा एक सेट ना, वो क्या करती हैं, किडनी में जाके ओपन होती हैं। तो इस तरह हम इन वेन का पूरा एक सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो डिस्क्रिप्टिव, मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ना। हेपेटिक का वर्ड जो है वो असल में क्या, लिवर से रिलेटेड है, उसका मतलब क्या, लिवर। सही, तो अब यहाँ पर लिवर की बात आई, तो लिवर जो असल में कौन से सिस्टम में शामिल है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल है। सही है, कौन से सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होता है फ्रॉग के। अब यहाँ पर मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उससे ब्लड को डायरेक्टली कलेक्ट करके वेंस हार्ट तक नहीं पहुँचाती है, बल्कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पाथवे से होते हुए ब्लड जो है वो फिर जाकर हार्ट तक पहुँचता है। तो वो कैसे होता है कि ना, ये जो वेंस होती हैं तमाम की तमाम जो है वो कम्बाइन होती हैं और एक वेन बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। सही, कौन सी, हेपेटिक पोर्टल वेन कहलाते हैं। अब ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये लिवर में जाकर ब्रेकअप हो जाती है, यानी कन्वर्ट होती है कैपिलरीज में। ये जो कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है कि ना, फूड मटेरियल जो है उसको ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान एक्सचेंज करना। तो यहाँ पर लिवर में जो कुछ फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है ना, वो लिवर में स्टोर हो जाता है और फिर लिवर से जो ब्लड है वो पोस्ट केबल वेन जो है उसमें एंटर होता है। अब पोस्ट केबल वेन, मैंने आपको अभी भी बताया, ये क्या करती हैं कि जो फ्रॉग की बॉडी में लोअर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइनल लाइन, तो ये इनसे क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट कर रही होती है। सही, ब्लड को, और वो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस ब्लड को कलेक्ट करके पहुंचा देती है साइनस विनोसस तक। ये साइनस विनोसस जो है वो क्या है, असल में राइट एट्रियम में जाकर हार्ट के वहाँ पर जाके ओपन होता है, वहाँ पर ये ब्लड पहुँचा दिया जाता है ताकि वहाँ पर आगे पहुँच कर इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। अब कुछ ब्लड जो है वो हाइंड लिम्ब से भी कलेक्ट किया जाता है, एक वेन, एब्डोमिनल वेन के थ्रू। सही, ये एब्डोमिनल वेन जो है वो आगे जाके हेपेटिक पोर्टल वेन जो है उसके साथ मिलती है लिवर में, और फिर जो है इसका जो ब्लड होता है वो लिवर में ड्रेन कर दिया जाता है, यानी वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और फिर वहाँ से जो ये ब्लड होता है उसे कलेक्ट करने के लिए कौन सी वेन आ जाती है, पोस्ट केबल वेन आती है। पोस्ट केबल वेन इस ब्लड को कलेक्ट करती है, फिर साइनस विनोसस तक पहुँचाती है, और साइनस विनोसस जो है वो राइट एट्रियम, यानी कि जो हार्ट का राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम कह लो, राइट ऑरिकल कह लो, या राइट पोर्शन जो होता है वहाँ पे जाके ओपन होता है, ताकि वहाँ पे उसकी फिर क्या हो सके, ऑक्सीजनेशन हो सके। ये जितनी भी वेन्स मैंने आपसे जिक्र की, तमाम की तमाम किस्में शामिल हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में शामिल है, और मिल के ये तमाम की तमाम वेन्स जो होती हैं ना, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ही फॉर्म कर रही होती हैं। अब जो है मैं आपको असल में यहाँ पर दिखाती हूँ, ये है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से रिलेटेड डायग्राम। इस पर मैं आपको ये है, वैसे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है, लेकिन मैं इससे आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो समझाने जा रही हूँ। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको नज़र आ रही है क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ये क्या नज़र आ रही है, कैपिलरीज, जो कि क्या है, फूड एक्सचेंज करती हैं, फूड मटेरियल को बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। सही, ये इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या नज़र आ रहा है आपको, स्टमक,
ये क्या है? लिवर। अब लिवर में जो मौजूद वेंस हैं उनका नाम क्या है? हेपेटिक वेंस। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर कैपिलरीज मौजूद होती हैं, तो वो कैपिलरीज क्या करती हैं? फूड मटेरियल को एक्सचेंज कर देती हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड होता है ना, वो वेंस डायरेक्टली ये नहीं करती हैं कि कलेक्ट किया और उसे हार्ट तक पहुँचा दिया, बल्कि वो तमाम की तमाम वेंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, पहले कंबाइन होकर एक वेन बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेपेटिक वेन ना, हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो आगे लिवर में ही जाकर क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। किस में? कैपिलरीज में। सही, जब कैपिलरीज में ब्रेक होती है तो कैपिलरी, यहाँ पर कैपिलरीज की मदद से जो फूड मटेरियल होता है ना वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और उसके बाद जो ब्लड होता है वो ट्रांसफर हो जाता है पोस्ट केवल तक। सही, पोस्ट केवल वेन तक। पोस्ट केवल वेन जो है वो असल में मैंने आपको बताया था उसका फंक्शन क्या होता है, कि वो जो फ्रॉग की बॉडी में लोअर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कलेक्ट करती है। सही, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ लिवर से जो ब्लड है वो जाता है पोस्ट केवल में। पोस्ट केवल से वो वेन ब्लड जो है वो होता हुआ जाता है साइनस वेनोसस में, फिर साइनस वेनोसस से होता हुआ जाता है हार्ट तक। सही, हार्ट के भी किस चैम्बर में जाता है? राइट चैम्बर में, यानी राइट एट्रियम का जो चैम्बर होता है वहाँ पर। सही, तो इस तरह से ये जो ब्लड है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का हार्ट तक पहुंचता है, डायरेक्टली नहीं पहुंचता, डिफरेंट पाथवे से होता हुआ जाता है, डिफरेंट वेंस के थ्रू होता है। सही, डिफरेंट वेंस का एक सेट होता है जो क्या करती हैं, उन उस ब्लड को जो है वो हार्ट तक पहुंचा रही होती हैं। इसी तरह से हाइंड लिम का भी जो ब्लड होता है ना वो क्या होता है, एक एब्डोमिनल वेन के थ्रू कलेक्ट होता है, फिर वो एब्डोमिनल वेन जो हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ कंबाइन होती है, फिर वो हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर से जो है ब्लड को पोस्ट केवल तक पहुंचाती है, और फिर वो ब्लड जो है वो पोस्ट केवल से होता हुआ साइनस वेनोसस तक जाता है, और साइनस वेनोसस से वो ब्लड होता हुआ जो है राइट एट्रियम में पहुंच जाता है हार्ट के। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीनल पोर्टल सिस्टम। सही, अब हम रीनल पोर्टल सिस्टम को देख लेते हैं कि रीनल का वर्ड क्या है, किडनी से रिलेटेड है ना, तो किडनी से रिलेटेड और रीनल जो है इसमें वो वेंस का सिस्टम आएगा जो कहाँ पे ओपन होती हैं, बेसिकली किडनी में जाकर। सही, तो जो ब्लड का एक ऑल्टरनेट रूट होता है हाइंड लिम से, वो कौन सी वेन के थ्रू, कौन सी वेंस के थ्रू होता है? रीनल पोर्टल वेंस के थ्रू होता है। ये वेंस जो हैं वो जाके बेसिकली कहाँ पे, किडनी में जाकर ना ब्रेकअप हो जाती हैं, कैपिलरीज में। सही, कैपिलरीज में जाके ब्रेकअप होती नहीं, कन्वर्ट होती हैं, फिर वहाँ किडनी से जो ब्लड है वो पोस्ट केवल में एंटर होता है, यानी पोस्ट केवल वेन जो कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट तक पहुँचाती है ना। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पोस्ट केवल लेकर जाती है, वो कौन सी वेन होती है? रीनल वेन्स। सही, फिर ये रीनल वेन्स जो है उस ब्लड को जो है सही साइनस वेनोसस तक पहुंचाती है, और फिर साइनस वेनोसस से अल्टीमेटली ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? हार्ट में, वो भी राइट चैम्बर में जाता है हार्ट के। ये जो तमाम वेंस इस तरह से इस सिस्टम में शामिल हैं, सही, इनका नाम क्या है? रीनल पोर्टल वेंस, और ये पूरा सिस्टम आपके पास क्या कहलाएगा? रीनल पोर्टल सिस्टम कहलाएगा। ये आपको असल में क्या नज़र आ रहा है? वेनस सिस्टम नज़र आ रहा है फ्रॉग का। इस वेनस सिस्टम में फ्रॉग के, अगर आप देखें, ये आपको फ्रॉग का क्या है, हार्ट नज़र आ रहा है। इसके थ्री चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट, राइट एट्रियम या चैम्बर कह लो, और इसके अलावा जो है वेंट्रिकल वाला चैम्बर। अब इस में सबसे पहले अगर आप गौर करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये वाली वेन है वो क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लंग्स में से लेकर, सही, लंग से पिक करती है और उसे जो हार्ट का लेफ्ट एट्रियम यानी चैम्बर होता है वहाँ तक पहुँचा देती है। तो पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करना, सही, फ्रॉम द लंग्स, सही, लंग से लेकर उसे क्या करती है, लेफ्ट ऑरिकल में हार्ट के पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद बात होती है प्री केवल की। प्री केवल वेन जो होती है ना वो कहाँ पाई जाती है? अपर रीजन में फ्रॉग के, यानी हेड रीजन वगैरह। वो क्या करती है? फोर लिम्स और जो हेड रीजन वगैरह होता है उससे जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पिक करके फिर साइनस वेनोसस के थ्रू जो है वो हार्ट के राइट चैम्बर में, राइट एट्रियम में पहुँचा देती है उस ब्लड को। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर आ जाती है पोस्ट केवल वेन, जो बेसिकली बाकी का नीचे जो फ्रॉग की लोअर बॉडी पार्ट है उसका सारा काम देख रही होती है ना, पोस्ट केवल वेन। ये पोस्ट केवल वेन जो है ये क्या है? एक मेजर वेन है। इस मेजर वेन में से मज़ीद जो है वेन्स निकल रही हैं, ये आपको नज़र आ रही है, ये तमाम के तमाम क्या है, इस पोस्ट केवल वेन से मज़ीद निकल रही होती है ना। अब ये पोस्ट केवल वेन जो है असल में क्या करती है? ब्लड को डायरेक्टली हार्ट तक नहीं पहुंचा रही होती, इसमें जो है ना डिफरेंट वेज हैं।
अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन। कौन सी? हेपेटिक पोर्टल वेन। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? रीनल पोर्टल वेन ना। तो इस वेन में हमारे पास जो है ये हेपेटिक पोर्टल वेन और रीनल पोर्टल वेन जो है वो एक पोर्टल सिस्टम के अंडर आते हैं, और ये जो है वेन्स का एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड को क्या लेती हैं, एक ऑर्गन से लेकर दूसरे ऑर्गन, फॉर एग्जांपल जो है स्टमक से लिया हार्ट तक पहुँचाया ना, तो यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो है वो ब्लड को पहुँचाया जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है आपके पास, ये क्या कहलाता है? पोर्टल सिस्टम कहलाता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। इसमें जो वेन्स शामिल हैं वो कौन सी हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन और रीनल पोर्टल वेन। ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती हैं ये क्या करती हैं? जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लिवर है उससे ब्लड को लेती हैं सही, और फिर उसे पोस्ट केवल वेन जो होती है उसके थ्रू साइनस विनोसिस में पहुंचाती है। साइनस विनोसिस से वो ब्लड होता हुआ जो है हार्ट के राइट एट्रियम जो चैम्बर है राइट एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ ब्लड जो है वो हाइंड लिम्ब से एब्डोमिनल वेन के थ्रू जो है होता हुआ हेपेटिक पोर्टल वेन तक आता है। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है उस ब्लड को जो है वो कहाँ तक पहुँचाता है? पोस्ट केवल वेन। तो ये पोस्ट केवल वेन तक ब्लड को पहुँचाया जाता है यहाँ तक। फिर वो पोस्ट केवल वेन क्या करती है? साइनस विनोसिस में पहुँचाती है उस ब्लड को। ब्लड साइनस विनोसिस जो वो जाके ओपन हो जाता है राइट एट्रियम में हार्ट के। फिर रीनल पोर्टल वेन्स वो वाली वेन्स होती हैं जो कहाँ पे ओपन होती हैं? किडनी में। सही, किडनी में जाके जो वेन्स ओपन होती है वो क्या है? रीनल पोर्टल वेन्स। अब रीनल वेन्स के थ्रू जो है वो ब्लड क्या होता है? सप्लाई किया जाता है पोस्ट केवल वेन के। पोस्ट केवल वेन में पोस्ट केवल क्या करती है? फिर उस ब्लड को साइनस विनोसिस में पहुँचाती है। साइनस विनोसिस जाके उस ओपन होती है राइट एट्रियम में हार्ट के। तो इस तरह से जो है ये ब्लड जो है सप्लाई होता है फ्रॉम द लोअर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स हार्ट। यानी डायरेक्टली नहीं पहुंचता, बल्कि सेट ऑफ वेन्स शामिल होती हैं जो ब्लड को क्या करती हैं? एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है नीचे का, इसे हम क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। अब इस पूरे सिस्टम में डिफरेंट वेन्स शामिल होती हैं, तो इसलिए ये फ्रॉग का पूरा सिस्टम आपके पास क्या कहला रहा है? वेनस सिस्टम। सही, क्या कहला रहा है? वेनस सिस्टम कहलाता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाथवे, यानी कि हेपेटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू जो है वो ब्लड कैसे हार्ट तक पहुंचता है, इसमें सबसे पहले जो है हेपेटिक पोर्टल वेन्स शामिल होते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू ब्लड जो है वो जाता है पोस्ट केवल वेन में, पोस्ट केवल वेन से जाता है साइनस विनोसिस में, और साइनस विनोसिस से जो है वो हार्ट में जाता है, और हार्ट के भी राइट एट्रियम में। इसके बाद रीनल पोर्टल सिस्टम पाथवे, तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो क्या है? रीनल का वर्ड किडनी से रिलेटेड है, तो इसमें कौन सी वेन्स है? रीनल वेन्स, यानी कि जो किडनी में ओपन होती हैं। तो रीनल वेन्स के थ्रू ब्लड जाता है पोस्ट केवल में, पोस्ट केवल से जाता है ब्लड साइनस विनोसिस में, और साइनस विनोसिस से हार्ट में जाता है। तो हार्ट के भी कौन से चैम्बर में? राइट एट्रियम में जाता है। अगर यहाँ पे नोट करेंगे आप, तो क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन, जो कि क्या है? लिवर के लिए से हेपेटिक कवर्ड, और यहाँ पे क्या है? रीनल के लिए, रीनल वेन्स हैं। सही, तो सिर्फ ये जो पाथवे है इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इस वेन में आता है कि ये क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन शामिल होती है, यहाँ पे क्या होती है? रीनल पोर्टल वेन। बाकी का पाथवे क्या है? सेम है। सही है, बाकी सेम पाथवे को फॉलो कर रहा होता है। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था? वेन्स के बारे में बताया था। वेन्स जो है वो ऐसी ब्लड वेसल का सेट होता है जो क्या करती हैं? ब्लड को वापस जो है हार्ट तक पहुंचा रही होती हैं। सही, और आर्टरी जो होती है वो इसके ऑपोजिट काम करती हैं। वेनस सिस्टम के तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पल्मोनरी वेन्स, प्री केवल वेन और पोस्ट केवल। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लेती हैं, कलेक्ट करती हैं ना लंग से, और फिर उसे हार्ट तक पहुंचा देती हैं, और हार्ट के भी लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाती हैं। प्री केवल वेन क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं हेड से और फोर लिम्ब से, और फिर जो है उसे राइट एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है हार्ट के। इसके अलावा पोस्ट केवल वेन क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे कलेक्ट करती हैं लोअर बॉडी पार्ट से फ्रॉग की, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, और उसे जो है वो फिर राइट एट्रियम में पहुंचा दिया जाता है हार्ट के। हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है वहां तक पहुंचाया जाता है साइनस विनोसिस के थ्रू। सही, अब पोर्टल सिस्टम जो है वो ऐसी सेट वेन्स का सेट होता है जो क्या करते हैं? ब्लड को एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, और ये जो वेन्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पोर्टल वेन्स। और ये सिस्टम क्या कहलाएगा आपके पास? वेन्स का एक पूरा सिस्टम, उसे पोर्टल सिस्टम कहेंगे। अब वो वेन्स जो कि ब्लड को डायरेक्टली लिवर में, जो डायरेक्टली तो नहीं मतलब डिफरेंट वेज से ना, लिवर में जाके ड्रेन करती हैं वेन्स, वो क्या कहलाती हैं? हेपेटिक
पोर्टल वेंस, और जो वेंस जाके किडनी में ओपन होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रीनल वेंस कहलाती हैं, सही। और सिस्टम जो होगा पूरा वो क्या कहलाएगा, रीनल पोर्टल सिस्टम कहलाएगा। अब हम होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है, ये जो वीनस सिस्टम है फ्रॉग का, इससे बहुत अच्छे से रीड करना है। इसके अलावा जो काम आपको दिया गया है होमवर्क फाइल में उसे लिखें और अच्छे से याद करके उसके टेस्ट वगैरह खुद को दें, और लिखकर काम जो है डिस्कशन बॉक्स में लाजमी पोस्ट कीजिएगा। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बस यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से इंशाल्लाह जबरदस्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।